अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरुल हुदा हबीबिना व हबीबि रब्बिल किबरिया व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ सनाउल्लाह। आज मेरे साथ प्रोग्राम के लिए जो दो फाजल शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ हबीबुर्रहमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आलम दीन हैं, इमाम ख़तीब हैं, दीनी स्कॉलर हैं, आप बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं और यूनिवर्सिटी की एक इंतहाई अहम शोबा एकेडमी शरिया एकेडमी के नाम से जो है वहाँ आप जजेस हज़रात मुफ्तियान इकराम के मुख्तलिफ कोर्सेस कोऑर्डिनेट करते, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। तो आप अहले इल्म के यहाँ ज़राए ब्लाग में भी अपना एक नाम और मकाम रखते हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह दीनी स्कॉलर हैं और आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, वहाँ तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इससे कबल आप बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे एक अरसे तक और वहाँ आप अपने तदरीसी खिदमात अंजाम देते रहे। आपका अपना एक अहले इल्म के यहाँ नाम और मकाम है, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है इस्लामी अकदार का तहफ़ सोशल मीडिया के कानूनी और अखलाकी पहलू। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं और जिन चीज़ों का हमें सामना है, उनमें से एक इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक और तकलीफ़ अमर यह है कि हमारे जो अकदार हैं जिनको हम इस्लामी अकदार कहते हैं, कि अगर वो ना हो तो हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी पहचान ही वो है। उनको जिस तरह से हदफ़ तनकीद बनाया जाता है और जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाता है, और बाज़ औक़ात तो ये भी देखने में मिलता है कि जो शायर हैं इस्लाम के उनको भी माफ़ नहीं किया जाता है। और जब से सोशल मीडिया के सार्फीन शुतर बेमहार की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, हो सकता है कोई चेक एंड बैलेंस हो, कवानीन भी मौजूद हों, उन पर अमल भी होता हो, लेकिन उमूमी तौर पर लगता यही है कि वो किसी के काबू में नहीं है। इसके नतीजे में एक ऐसा कल्चर वजूद में आ रहा है कि जिसमें एक तरफ हमारी इस्लामी अकदार को पामाल किया जाता है तो दूसरी तरफ उन अकदार को परवान चढ़ाया जाता है जो इस्लाम तो क्या एक मुअज़्ज़ज़ और मुअज़्ज़ब माशरे को भी ज़ेब नहीं देती हैं, एक पढ़े लिखे इंसान को ज़ेब नहीं देती हैं, मुअज़्ज़ब माशरा पहचाना जिन चीज़ हो जाता है वो उसकी भी नफ़ी करते हैं। गालम गलोच का कल्चर आम होता जा रहा है, एक दूसरे पर तनकीद का कल्चर, उस पर कीचड़ उछालने का कल्चर, यानी वो सारी जो इस्लामी तालीमात जिनसे हमें मना करती हैं उन चीज़ों पर हम देखते हैं कि अमल किया जाता है और बड़े फ़ख्र से और धड़ल्ले के साथ ही किया जा रहा है। इसका क्या होना चाहिए और बिलखसूस नौजवान नस्ल को कैसे आगाह किया जाए कि आपकी पहचान क्या है, आपकी अकदार क्या है, आप किसके अमीन हैं, कौन सा दीन है जो ख़त्म नबीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए, कौन सी अकदार हैं जो आपने हमारे लिए छोड़ी हैं, तो उनका जानना भी ज़रूरी है। और फिर नौजवानों को ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया के सार्फीन हैं इस तरफ लाना भी ज़रूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें लेकिन अखलाकियात को भी सीखें, कुछ कानूनी तकाजे जो हैं उनको भी जानें और अपनी अकदार का तहफ़ करने वाले बने। इस पर इंशाल्लाह हम अपने दोनों फाजल मेहमानों से कुछ जानने की कोशिश करेंगे, रहनमाई हासिल करेंगे कि क्या किया जाए। मैं सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ हबीबुर्रहमान साहब से ही जानना चाहूँगा कि ये लफ्ज़ जो हम अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं इस्लामी अकदार का, इस्लामी अकदार जिसको कहते हैं, इनको थोड़ा सा आप अगर वजाहत फरमा दें इसके बारे में तो ताकि ये बात समझ में आ जाए और आगे चलना फिर आसान हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी अकदार
इस्लामी तहज़ीब की वो आला तरीन सिफात हैं जी जो इस्लामी मुआशरे का हुसन है और इस्लामी मुआशरे की पहचान और शनाख्त उससे होती है, जिसे देख कर कोई शख्स ये कह सकता है कि ये लोग इस्लामी तहज़ीब और इस्लामी रिवायात के अलमबरदार हैं और उनके अमीन हैं। बिलखुसूस जिस तनाज़र में आज की गुफ्तगू है, उस हवाले से एक मुसलमान मुआशरे के अंदर जो आला तरीन अखलाक होने चाहिए, बल्कि इस उम्मत का जो जामे तरीन वसफ़ ज़िक्र किया गया है, वकज़ालिक जालनाकुम उम्मतम वसत, इतदाल पर कायम रहने वाली उम्मत अल्लाह तबारक व ताला ने और बेहतरीन उम्मत इस उम्मत को करार दिया, इस लिहाज से कि ये हर मामले के अंदर अफराद व तफरीद से पाक इतदाल पर कायम रहने वाली और दूसरों की इज़्ज़त और एहतराम, ये वो बुनियादी कदरें हैं जो इस्लाम की तालीमात के अंदर बड़ी बुनियादी अहमियत रखती हैं जी। और इसमें वलकद करमना बनी आदम कि हमने बनी आदम को इज़्ज़त अता की है, अल्लाह ताला ने करम और इज़्ज़त जो अता फरमाई है इंसान को, अब उसके कुछ तकाज़े हैं जी कि बाहमी ताल्लुकात के अंदर इज़्ज़त और एहतराम का माहौल हो और ख़ास तौर पर बाहमी ताल्लुकात उसी वक़्त मुस्तहकम और मज़बूत हो सकते हैं जब एक दूसरे का एहतराम करें। लेकिन अगर किसी मुआशरे के अंदर लोग एक दूसरे की तज़हीक करें, इस्तेहज़ा करें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, तो उस मुआशरे के अंदर नफ़रतें पैदा होती हैं और मुआशरे की वहदत पारा पारा हो जाती है और उसके बेपनाह नुकसानात होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जहाँ तक इस्लामी मुआशरे की खसूसियत है कि आप कोई बात भी बग़ैर तहकीक के आगे उसको दूसरों तक ना पहुँचाएँ, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कफ़ा बिलमर एकदबन युहद्दिसु बिकुल्लि मा समिअ, कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही बात काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे दूसरों तक मुंतकिल कर देता है। तो बात को पूरी तरह तहकीक करने के बाद, जांचने के बाद आगे दूसरों तक पहुंचाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सोशल मीडिया के अंदर यही चीज़ें हो रही हैं। इसी तरीके से किसी आदमी को भी इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है, वो अपने राय का इजहार करता है या किसी आदमी के मजहबी या सियासी क़यादत पर कोई तनकीद करता है तो उसकी तज़हीक उस और उसका को गालियां देना, ये चीज़ें चूंकि आम होती जा रही हैं, जबकि इस्लामी शायर के अंदर, इस्लामी अकदार के अंदर यह है कि आप हर फर्द को ये आज़ादी दें कि वो अपनी राय का इजहार करता है, अगर आपसे मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी रखता है तो आप उसको सुने भी और उसे गवारा भी करें और इज़्ज़त और एहतराम दें और उसे बर्दाश्त करें। तो इस्लामी तालीमात के अंदर एक वसत है, बर्दाश्त है और आला ज़र्फ़ी है कि आप दूसरों के लिए इज़्ज़त और एहतराम का ऐसा माहौल कायम करें जिसके अंदर दूसरों के नज़रियात को, दूसरे आपसे मुख्तलिफ अगर कोई आदमी अकीदा रखता है, नज़रिया रखता है, राय रखता है, मुख्तलिफ किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो ऐसी सूरत में आप उसको भी इज़्ज़त और एहतराम दें और उसकी तज़हीक करना, उसकी तज़लील करना या मज़हबी नुक्ता नज़र से किसी को फासिक फाजर करार देना, गुमराह करार देना जो चलन है इस वक्त, तो ये बिल्कुल इस्लामी रिवायात के बरक्स है। इसके बरक्स इस्लामी रिवायात जो हैं वो ये हैं, जो इस्लामी कदरें ये हैं कि हम दूसरों का एहतराम करें और दूसरों को इज़्ज़त दें। जी डॉक्टर साहब, हमारी तालीमात तो ये कहती हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि वलकद करम ना बनी आदम, कि सिर्फ मुसलमान मुसलमानों को एहतराम ना दें बल्कि इंसानियत को एहतराम देने वाले बने। इंसानियत को एहतराम देंगे तो इस्लाम की तालीमात उन तक पहुँचाएँगे, अगर उनको एहतराम नहीं देंगे तो अपना बेहतरीन दीन कैसे उनके सामने पेश करेंगे। तो यहाँ मामला तो इसके बरक्स हो गया है कि हमने गैर मुसलमों को तो जो एक अपना बेहतरीन चेहरा और बेहतरीन रुख और बेहतरीन किरदार अमल पेश करना था,
वो तो पीछे रह गया, हम तो आपस में गुत्थम गुत्था हैं एक दूसरे के साथ, और फासिक व फाजर तो मेरा ख्याल पीछे रह गया, अब तो काफिर करार देने में भी कोई हम मज़ायका नहीं समझते किसी को, और फिर किसी के एतिकाद पर हमला करना, किसी के दीन पर हमला करना, किसी के अखलाकियात पर हमला करना, ये तो मामूली बातें बन करके रह गई हैं। यानी ये जेब नहीं देता, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि मुसलमान तो क्या है, किसी एक मुहज़्ज़ब फ़र्द को, तहजीब याफ्ता आदमी जिसके बारे में कहा जा सके, उसको भी ये जेब नहीं देता कि इस तरह की हरकत करे। चाहे यह कि वो ऊपर की कोई क्लास हो, जिनको लोग देख रहे हों, जिनको लोग फॉलो कर रहे हों, जिनके फॉलोअर्स मौजूद हों, तो वो क्या उनसे सबक सीखेंगे। जी डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कुछ अकदार का तस्करा किया है, और फिर इस वक्त बदकिस्मती से सोशल मीडिया की जद में है सारा कुछ, तो कौन से चैलेंजेस हैं ज़्यादा जो सोशल मीडिया के हवाले से इस वक्त इस्लामी अकदार को दरपेश आ रहे हैं, क्या समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जो हमारी दीनी इकदार हैं या जो हमारी मजहबी इकदार हैं, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये कुछ नए चैलेंजेस हैं और कुछ पुराने चैलेंजेस हैं जी, जो नई सूरतों के साथ अब हमारे सामने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने एक जो बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की और सोशल मीडिया ने जो बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की है, वो ये है कि हर शख्स को ये एक आज़ादी मुयसर आ गई है या ये चीज़ उसकी पावर में आ गई है कि वो कंटेंट को जनरेट भी करता है और उसको नशर भी कर देता है। इससे पहले ये सूरत थी कि अगर कोई शख्स किसी शख्स की इज्जत उछालता था या कोई दीनी इकदार के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कहता था, लिखता था, तो अगर वो लिख देता था या उसको तहरीर में ले आता था, तो उसको नशर करने के रास्ते इतने लामहदूद नहीं थे। उसको आमतौर पर एक एडिटोरियल ओवरसाइट होती थी और अखबारात में एडिटर और एडिटोरियल का जो पूरा बोर्ड का एक सिस्टम था उसको कुछ ना कुछ उसकी चेक हो के जाता था। लेकिन सोशल मीडिया में तो आप प्लग झपकते एक चीज़ लिखते हैं और उसके बाद आप उसको नशर कर देते हैं और फिर अगले ही लम्हे वो वायरल हो जाती है, तो ये एक बड़ा डिफरेंट किस्म का चैलेंज है। जितनी रिलीज होती है उतनी ज़्यादा वायरल होती है, और जाहिर बात है इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म जो हैं वो उस तरह के मौजूद नहीं हैं, और अगर आप कानूनी दायरे कार में वो कंट्रोल मैकेनिज्म बनाने की भी कोशिश करें तो शायद किताबों में आप बना लेते हैं, कानून की किताबों में लिखा होता है, शिकों में मौजूद होता है, अदालतों के सामने केसेस भी जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है आप उसको इन्फोर्स कैसे करेंगे। ये एक बहुत ही मुश्किल एक सूरत हाल है जी। और जिस बात की तरफ आपने ख़ास तौर पर सवाल किया कि सोशल मीडिया पर चैलेंजेस की नौइयत क्या है जी। एक तो चैलेंजेस की वो नौइयत है जिनके बारे में इत्तफाक अमूमी तौर पर एक इत्तफाक पाया जाता है कि ये हमारी वो चीज़ें जिनसे हमारी दीनी इकदार को भी, हमारी सकाफ़ती इकदार को भी और इंसानी इकदार को भी ख़तरा लाक है। मिसाल के तौर पर बद अखलाकी की जितनी सूरतें गालम गलोच का कल्चर है, चाहे वो मजहबी इख्तलाफात की बुनियाद पर किया जाए, सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर किया जाए, सकाफ़ती इख्तलाफात या तनवु की बुनियाद पर किया जाए, हेट स्पीच हो गई, लो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ देना, अपने मजहबी मुखालफिन को जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया दुश्नाम करना, और हत्ता के बाद तकफीर तक और एक दूसरे को काफर कहने तक, ये इसके बारे में ये वो स्ट्रीम है जिसके बारे में अमूमी एक कंसेंसस पाया जाता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं है, ये बुरी चीज़ें, कोई शख्स भी इनको ठीक समझ कर नहीं करता। एक तो इसकी नौइयत वो है, दूसरी इसकी नौइयत है जो कदरे ज़्यादा ख़तरनाक है, वो है कि मज़हब के हवाले से इस अंदाज पर सोशल मीडिया में गुफ्तगू की जाए और इस अंदाज में तनकीद की जाए और तशकीक फैलाई जाए कि मज़हब की मुखालफत का एक पूरा मुकदमा पेश किया जाए, अगर वो भी इल्मी पैराए में हो, इल्मी अंदाज में हो, एकेडमिक डिस्कोर्स के तौर पर हो, तो भी एक दर्जे में और एक हद के अंदर वो काबिल कबूल है। और मुसलमानों की तारीख में हमेशा इस किस्म की चीज़ें लिखी जाती रही हैं, उनका काउंटर बयानिया दिया जाता रहा, मगर सोशल मीडिया में अब तजहीक के सूरत में ख़ास तौर पर मुसलमानों के जो दीनी इकदार हैं और मुसलमानों के दीन से जुड़ी हुई जो शख्सियात हैं, जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहरात और सहाबा इकराम, और फिर हमारी दीन से जुड़ी हुई बहुत दीगर जो एक रोशन रवायात और शख्सियात हैं, उनकी तजहीक और इस अंदाज में उनको पेश करना जिससे मुसलमान और मुस्लिम माशरे में लोग गुस्से में भी आते हैं, गम गुस्से का इजहार करते हैं, चिढ़ते भी हैं, और उसके नतीजे में फिर एक ऐसी नफरत और एक ऐसी बहस का आगाज़ होता है जो आज़ादी, एक तरफ तो आज़ादी इजहार का मुकदमा बना के पेश किया जाता है और दूसरी तरफ जाहिर बात है कि वो हमारे मुरवजा कवानीन के तहत जराइम भी बनते हैं। और ये वो सोशल मीडिया पर की जाने वाली हरकतें हैं जिनके बारे में जाहिर बात है कि हमारे यहाँ भी
और पूरी दुनिया में भी एक तबका ऐसा पाया जाता है कि वो हमेशा इसको आज़ादी इजहार के मुकदमे के तौर पर इसकी तायद करता है। तो ये बदकिस्मती से वो चीज़ है जिस वो मुत्तफ़िक़ुन अलैह नहीं है, जैसे पहले अखलाकी हम गिरावट की बातें कर रहे थे। तो इन दो चीज़ों को मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अलहदा करके और सोशल मीडिया पर जो इस वक्त हमारी इख्तियार को जो एक चैलेंज दरपेश है, इन दो को बिल्कुल अलहदा करके देखने की और फिर इनके तदारुक करने की ज़रूरत है। इनको यानी ये दो बड़े मेजर इशू, ये बड़े मेजर इशूज़ हैं जिनके और जो दूसरा इशू मैंने पेश किया इसमें फिर आगे बढ़कर जो एक इर्तदाद का पूरा है कि सोशल मीडिया पर अगर आप पाकिस्तान के सोशल मीडिया सीन को भी देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे पेज मौजूद हैं जहाँ पर लोग अपने आप को मुल्हदीन के तौर पर पेश करते हैं, एक्स मुस्लिम्स के तौर पर पेश करते हैं और वहाँ पर बहस तमहीस और मुनाजरे। सोशल मीडिया की एक अपनी दुनिया अलग से, एक अपनी दुनिया और वर्चुअल लाइफ में वो सब कुछ हो रहा है बल्कि शायद उससे ज्यादा हो रहा है जो हम एक्चुअल लाइफ में करते हैं, एक्चुअल लाइफ में हम देखते हैं। ये बहुत खतरनाक बात है और इस पे यकीनन जो हमारे अकाबरीन हैं, जो रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, दीनी रहनुमा हैं और माशरे के वो जितने भी तबकात हैं जो अपना कहीं ना कहीं असर और वज़न रखते हैं और जो कुछ करने की पोजिशन में हैं, मेरे ख्याल में इस पर उनको चौकन्ना होना चाहिए और अपने अपने रिसोर्सेज को, अपने अपने असर सूख को इस्तेमाल करना चाहिए और उन इदारों को इसकी तरफ फिर मुतवज्जे करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर कानून किताबों के अंदर लिखे हुए भी हैं तो उन पर अमल दरामद की कुछ शक्ल निकालनी चाहिए। और बुनियादी तौर पर तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तरबियत का एक अमल शुरू हो जिसमें नौजवानों की तरबियत इस अंदाज़ में कम अज़ कम हो कि वो ख़ुद इस्तेमाल करें तो अखलाकियात का दामन हाथ से न छोड़ें और जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आए तो उसको आज ख़ुद वो एक फ़िल्टर लगाने की पोजीशन में हों कि ये चीज़ें जो हैं ये दुरुस्त हैं, ये चीज़ें गलत हैं और उनको वो डिस्कार्ड करने वाले हों और जो अच्छी चीज़ें हैं ठीक है कि उससे मुस्तफ़ीद भी हो जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये अभी जो आपने तस्करा किया एक बात का कि दीन तो हमारा बर्दाश्त सिखाता है, लेकिन इस वक्त हम देखते हैं ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जिसका हम तस्करा कर रहे हैं कि अदम बर्दाश्त इस हद तक पहुँच चुकी है कि जिसका आपने अभी इशारा भी किया है कि तजहीक क्या मतलब गालम गलूच, अगर बंदा सामने हो तो शायद उसका गिरेबान पकड़ लें और उसका दामन फाड़ दें और कर दें, क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा होना शुरू हो गया माशरे में? इसमें दो बड़ी वजूहात हैं और सबसे ज़्यादा तो सियासी इख्तलाफात जो हैं उनकी बुनियाद पर इस वक्त आपस में जो बद तहजीबी है, बद अखलाकी और एक दूसरे को जितनी बेहुदा और गलीज़ गालियाँ ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर दी जाती हैं उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त जो सियासी और क़्यादत है और इसी तरीके से सियासी वर्कर हैं, सोशल वर्कर हैं, उनमें इस तरह का एक रुझान उनके अंदर पैदा कर दिया गया है कि वो दूसरों की बात को किसी तरह भी गवारा नहीं करते। एक तरह का नौजवान तो वो है जो अकाउंट बनाता है, सिर्फ रद्द अमल की एक सियासत है उसकी कि अगर किसी ने उसके लीडर को या कायद पर कोई ऐसी बात लिख दी जो उसे नागवार है तो वो उसके जवाब में गालियाँ लिखता है। और दूसरा तबका वो है ज़ाहिर है कि जिनका मुस्तकिल काम यह है कि वो सोशल मीडिया पर किसी सियासी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, ज़ाहिर है उनकी रोज़ी रोटी उसके साथ वाबस्ता होती है। तो ये दोनों तबके अलग अलग हैं जिनका सोशल मीडिया के अंदर बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त हम बाज़ औक़ात ऐसी ज़बान देखते हैं कि ज़बान पर भी उसको नहीं ला सकते, इस तरह की गैर शाइस्ता नामुनासिब किस्म के अल्फाज जो हैं वो उसके अंदर बोले जाते हैं, बद अखलाकी की एक इंतहा होती है और वो चीज़ें बच्चा पढ़ता है और लिखे, यही ऐसा ही नहीं है कि वो लोग जो हैं वो अनपढ़ हों बल्कि अच्छे खासे तालीम याफ्ता लोग हैं, सहाफ़ी हैं उनमें से कुछ और कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ सियासी लीडर हैं। तो ईवान के अंदर भी अगर कोई इस तरह की बात होती है तो थप्पड़ तक नौबत आ जाती है। अदम बर्दाश्त की सूरत हाल तो यहाँ तक है मुआशरे के अंदर कि जब सियासी क़्यादत जो है वो इस हद तक उनके अंदर जो है वो दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया नहीं होगा कि वो फौरन दूसरे पर हमलावर होंगे और उनकी ज़ात पर हमले करेंगे, तजहीक करना तो ये मामूली बात बन जाता है जिस वक्त दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमलावर कोई शख्स होता है। तो ये तो वो सियासी इख्तलाफात हैं। और दूसरी एक बड़ी वजह जो है वो मजहबी
जो इख्तलाफात हैं और फ़िरकावारियत है आपस में, बड़ी वजह जो है वो भी आदम बर्दाश्त है। तो उसमें भी अगर किसी के मसलक के ख़िलाफ़ कोई चीज़ दूसरा आदमी लिखता है तो वो अपना दीनी फ़र्ज़ समझ कर और दीनी गैरत तसव्वुर करके अपना फ़र्ज़ समझता है कि दूसरे को गालियाँ दें, और इन गालियों को वो इसलिए हलाल भी समझता है, जायज़ भी समझता है कि ये दीन के नाम पर दी जाती हैं, दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, दीन का तहफ़्फ़ुज़ समझ कर की जाती हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक मज़हब से लगाव रखने वाले लोग या मज़हब पसंद तबका जो है वो भी बद अखलाकी के इंतहाई पस्ती के अंदर गिर गया है, और दूसरी तरफ हमारा जो सियासी वर्कर है उसके अंदर भी ये बुनियादी एक चीज़ आ गई है कि वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं करता। उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि मुआशरे के अंदर एक आपस में लड़ाई झगड़े की सूरत है। लोग एक दूसरे के साथ जिनका आपस में मोहब्बत का, बल्कि कराबतदार हैं एक दूसरे के साथ, दोस्त हैं, अहबाब हैं, लेकिन जिस वक्त इस तरह का माहौल पैदा होता है तो एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, दस्तोगरेबान भी हो जाते हैं। तो ये माहौल जहाँ सोशल मीडिया पर है, ये एक उमूमी रवैया भी हमारे मुआशरे के अंदर है कि आप देखते हैं कि मासूम बच्चे जो कल किसी मकैनिक के पास आप छोड़ के जाते हैं, वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक उसको काम सिखाने के अलावा गालियाँ जिस अंदाज में ये जो जुबान है ये इस तरह की बोली जाती है, हमारे मुआशरे के अंदर तक ये कलाम के तौर पर कुछ गालियाँ और कुछ बद तहजीबी, तो ये पीछे इसकी जो तरबियत का एक पूरा हमारे ख़ानदानों के अंदर, मुआशरे के अंदर, दुकानों में, और पीछे सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत जिस अंदाज में तरबियत कर रही है, ये उसका नतीजा है। जी डॉक्टर साहब, आपने हम दोनों तबकात का तस्करा कर दिया। ज़ाहिर है कि माशरे में दो ही तबकात बिलुमूम लीड करते नज़र आते हैं, लोग उनके फॉलोअर होते हैं, एक वो जिनको हम दीनी तबका कहते हैं, दूसरे वो जिसको हम सियासी लीडर कहते हैं। मेरे ख्याल में जब हम मुसलमान हैं तो फिर हमें दीन और सियासत को पहली तो बात अलग नहीं करना चाहिए। जो हमारे दीनी लीडर हैं, अकाबरीन हैं, वो सियासी लीडर भी हैं, और जो सियासी लीडर हैं उनको दीनी लीडर भी होना चाहिए। मुसलमान हैं हम सारे, और जब अलग अलग करेंगे तो ज़ाहिर है, चले अगर कर भी लें तो फिर एक तबका तो वो है कि जिसका आपने तज़किरा किया कि जिससे हम इतनी तवक्को नहीं रखते, कहते हैं कि ठीक है जी ये तो आम पढ़े लिखे लोग हैं और इनका कोई दीन से कोई ताल्लुक नहीं है वगैरह वगैरह, जबकि होना नहीं चाहिए एक मुसलमान का कि मुसलमान मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान है तो इन अखलाकियात का पाबंद है, या फिर वो उससे निकल जाए उस दायरे से। लेकिन वो लोग के जिनको ख़ास तौर पर लोग देखते हैं, जिनको फॉलोअर्स होते हैं और जिनको हम कहते हैं कि ये दीनी क़यादत है, और वो दीनी सियासी क़यादत भी अगर बन जाती है, तो मेरे ख्याल में उनसे ये तवक्को नहीं की जानी चाहिए कि अब तो ये इनफरादी मामला नहीं रहा। जैसे आपने कहा कि अब तो हमारे मुख्तलिफ ग्रोहों ने, मुख्तलिफ जमातों ने अपनी अपनी बाकायदा टीमें तश्कील दी हुई हैं जिनका काम सोशल मीडिया पर ये है, वो हुकूमत में हों, अपोजिशन में हों, किसी दीनी जमात में हों, किसी गैर दीनी जमात में हों, जिसका आपने तज़किरा किया अभी कि वो हर एक कुछ की रोज़ी रोटी का मसला है, कुछ को अपनी शोहरत चाहिए, इसी तरह से पब्लिसिटी का मसला है, तो ये अपने दिल के गुबार निकालने का मसला है, गुबार की गंध निकालने का मसला है। तो वो जब सामने आता है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी अच्छी बात की थी कि वो एडिटोरियल बोर्ड तो है ही नहीं वहाँ पर, वो छलनी तो लगती नहीं किसी चीज़ पर, फिल्टर तो होता ही नहीं किसी चीज़ के, जो जिस तरह का आया वैसे का वैसा ही आपने उसको अपलोड कर दिया, और जितना वो ज़्यादा गंदा था, जितना ज़्यादा गलीज़ था, उतने ज़्यादा लोगों के अंदर वो वायरल होना शुरू हो गया। तो ये बड़ा अलमिया है, और हकीकत यही है कि इसी की वजह से शायद ये कल्चर जो है हमारा फ़रोग पा रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि आम तौर के अंदर भी जो है वो हमें यही कुछ नज़र आता है। डॉक्टर अज़ीज़ुर्रहमान साहब, अभी आपने कुछ तज़किरा किया था इस्लामी अकदार को जो चैलेंजेस दरपेश हैं ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से, और बड़ी अच्छी आपने उन वजूहात का जिक्र किया था। तो इन इस्लामी अकदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कुछ इकदाम भी किए जा सकते हैं, क्या होना चाहिए? जी, इस्लामी अकदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिलमूम और सोशल मीडिया पर अगर हम तहफ़्फ़ुज़ की बात करें जी, तो ख़ुसूसी तौर पर मेरी राय में दो मुख्तलिफ जहतों पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिर बात है कि चूंकि मेरा ताल्लुक भी कानून से है, तो कानूनी रास्ता बिल्कुल इख्तियार किया जाना चाहिए, और ख़ास तौर पे जहाँ पर सोशल मीडिया पर इस्लामी इकदार और दीनी इकदार के मामले में एक सिस्टमेटिक कोई ट्रेंड और रुझान नज़र आए कि एक बड़ी कंपेन की सूरत में
कुछ लोग इस्लामी इकदार को निशाना बना रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उनके तदारुक के लिए और इस मामले से निपटने के लिए कानून साजी भी ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड के अलावा जो हमारे यहाँ लेटली साइबर क्राइम वगैरह के जो लॉज बने हुए हैं, तो उनमें हेट स्पीच से लेकर और मुख्तलिफ शख्सियात को निशाना बनाने वगैरह के हवाले से जो कवानीन हैं, जो शिक्के हैं, वो तो मौजूद हैं अपनी जगह पर। तो ये तो एक कानूनी दायरा कार है कि कानूनी दायरा कार में रहते हुए ज़ाहिर बात है कि कानून साजी की भी ज़रूरत है, फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को बाकायदा इस बारे में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमारे यहाँ इस किस्म के मामलों को और सॉफ्ट जो इंटरवेंशन होती हैं उनको समझने की अभी कैपेसिटी पूरी तरह नहीं रखती। एक तो वो कानूनी नुक्ता दायरा कार है जिस पर इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन मैं दूसरा जो जहत है जिस पर काम करने की ज़रूरत है और वो बड़ी अहम जहत है, और वो ये है कि देखें सोशल मीडिया ने, जैसे मैंने शुरू में बिल्कुल अर्ज़ किया था कि इसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। जी जी, यहाँ आप इनफरादी तौर पर हर शख्स को नहीं पकड़ सकते। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हमें ये पता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से एक अनोनिमिटी कि अगर आप किसी शख्स को पकड़ेंगे और वो अपने नाम से और अपनी आईडी से अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो छुप के करेगा। पाकिस्तान में अगर आप इस वक्त देखें कि हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने और हुकूमत पाकिस्तान ने कई वेबसाइट्स को इस वक्त बैन कर रखा है, लेकिन अगर आप सही तौर पर जाके स्टडी करें कि प्रॉक्सी सर्वर पाकिस्तान में कितने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि लोग उन वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं, तो कोई शख्स अगर किसी प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए या किसी टेक्नोलॉजी की किसी भी तरीके से अपनी शनाख्त को छुपाता है और वो इस किस्म के काम में इंगेज रहता है और वो ये काम करता है और वो हमारे इस मुआशरे के अंदर मौजूद है, उसको आप कैसे किसी कानून के ज़रिए पकड़ेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है, उसको भी पकड़ना मुमकिन होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो दूसरी जहत है काम करने की, वो ज़रा बात है तरबियत की जहत है, जिसमें फिर कई लोगों के जिसमें तालीमी निज़ाम, असातिज़ा, मस्जिद का किरदार, उलमा का किरदार, सियासी लीडरों का किरदार। अभी डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे, वो जो कहते हैं ना जबान बिगड़ी सो बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। जब हमारी सियासी क़यादतों की जबान ऐसी हो कि उसको सुनकर इंसान के जहन में एक ही लफ्ज़ आए और वो है वल्गैरिटी, और उसके अंदर एक इस अंदाज का मुहावरा हो जो बदतमीज़ी के दायरों को छूता हो बल्कि उन हदूद में दाखिल हो जाता हो, तो उसके नतीजे में एक नौजवान नस्ल क्या करेगी? वो जो बातें सुनेगी वो उसी तरह की जबान और डिक्शन और उस तरह का मुहावरा और अपनी अपना तौर तर्ज अमल उसके मुताबिक कर लेगी, कलाम बना लेगी। तो ये मुख्तलिफ लेवल पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इसको करें। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि इसमें कुरान करीम में जो, चूँकि सोशल मीडिया निस्बतन नई चीज़ है ना, ये जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम का वाक़या जो बयान हुआ है ना कि हज़रत ज़करिया जब दाखिल हुए और हज़रत मरियम के पास हज़रत ज़करिया ने वो नेमतें देखी और इनाम देखे, तो ज़ाहिर बात है कि उनके लिए वो नई चीज़ थी। और जैसे आज हमारे लिए सोशल मीडिया नई चीज़ है बहुत सारे लोगों के लिए, तो हज़रत ज़करिया ने ये नहीं किया कि वो चीज़ वहाँ से ली और उसको कहीं डंप कर दिया और कहा कि आइंदा के लिए खबरदार आपने ये यूज़ की। तो उन्होंने पूछा कि काल या मरियम अन्ना लकी हाजा, तो उन्होंने उसको समझने की, एक डायलॉग है, एक कम्युनिकेशन हमने डेवलप करनी है जो अपनी नई नस्ल के साथ आज हमें इनफरादी तौर पर भी और रियासी इदारों को भी डेवलप करनी है। और अभी आपने सुना होगा कि नेशनल हमारी नई सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, जिस सिक्योरिटी पॉलिसी में जो ऑनलाइन सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में बड़ी गुफ्तगू की गई है, लेकिन पाकिस्तान की कौम की और नौजवानों की जहनी सेहत को बाकी रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, और ये गुस्सा और गम गुस्सा और एक पहलू जिस पर अभी तक हमने बात नहीं की जो दीनी इकदार के चैलेंजेस के हवाले से है, वो जो है बेहयाई और फाशी का पूरा एरिया है जी, उस पर बात करते हैं। तो और मुझे एक वक्फे के लिए कहा जा रहा है जी सर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर आपसे बात को मुकम्मल करते हैं। नाज़रीन वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और आज का हमारा मौजू जिस पर हम अपने दोनों दानिश्वरों से, दीनी स्कॉलर से रहनमई हासिल कर रहे हैं, इस्लामी अकदार का तहफ़ सोशल मीडिया के कानूनी और अखलाकी पहलू। जी डॉक्टर अज़ीज़ुर्रहमान साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। आपने कुछ बात का हिस्सा कर लिया था कि कैसे इस्लामी अकदार को तहफ़ दिया जाए, और एक बहुत ही अहम और नाजुक हिस्सा कि जो शर्म हया से मुतल्लिक है, जिसमें सोशल मीडिया बहुत आगे निकलता जा रहा है, उस पर आपकी बात रहती थी, मुकम्मल कीजिए, फिर डॉक्टर साहब से कुछ बातें करते हैं। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सोशल मीडिया पर जो हमारी दीनी इकदार हैं और शायर इस्लामी
को कई तरह के चूँकि चैलेंजेस दरपेश हैं जी, और एक का ताल्लुक ज़ाहिर बात है कि जो हया और शर्म के जो तकाज़े हैं जो दीन ने हमें बताए हैं जी, उनसे जो रूगर्दानी की जाती है और सोशल मीडिया ने और ऑनलाइन मीडिया और कंटेंट के ज़रिए इस वक्त मुनकरात और बेहयाई के जितने जितनी चीज़ें नौजवान नस्ल की एक्सेस में आ चुकी हैं बल्कि सारी कौम की एक्सेस में आ चुकी हैं, तो इसमें ज़ाहिर बात है कि आप महज कानून साजी से इस मामले को नहीं डील कर सकते। इसमें अखलाकी तरबियत और लोगों के अंदर ज़िम्मेदारी का एहसास, और ये ज़िम्मेदारी का एहसास ज़ाहिर बात है कि जो लोग मुआशरे के अंदर एक इन्फ्लुएंस रखते हैं और उनका एक असर है उनकी बात का, और खौफ खुदा के जो तकाज़े हैं और तकवा के जो तकाज़े हैं, जब तक हम उनको उजागर नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरत को सामने नहीं लाएंगे, तो इनफरादी तौर पर तो ये मुज़र है ही ये चीज़ें, ये कौम इज्तमाई तौर पर और मजमूई तौर पर ये पूरी कौम को बीमार बना देने वाली चीज़ें, इसलिए इसको तो एक सिक्योरिटी ना सिर्फ दीनी तकाजे के तौर पर, इसको नेशनल सिक्योरिटी के तकाजे के तौर पर भी देखने की ज़रूरत है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें इतनी बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, अगर उन नौजवानों की ज़हनी सेहत को तहफ़ ना दिया गया तो हम किसी किस्म का खौफनाक और बीमार मुआशरा बनाने के लिए जा रहे हैं आगे, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही जो कहते हैं एक सुलगता हुआ पॉइंट जो है डॉक्टर अज़ीज़ुर्रहमान साहब ने उठाया है कि जिस तरह से मुआशरे की उठान हो रही है, ख़ास तौर पर वो नस्ल जो अभी परवान चढ़ रही है, वो जो कुछ देख रही है अपने अकाबरीन को करते हुए, और सोशल मीडिया पे जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जिससे वो बचे हुए नहीं है, यानी हर बंदे की हर बच्चे की जेब में हमने खुद सोशल मीडिया डाला हुआ है, कहीं उसकी ज़रूरत है कहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत भी हमने दिया हुआ है बच्चों को कि ठीक है जी आप इस पे बैठें इंजॉय करें और पढ़ें और खेलें, और उस अपनी जान वालदैन ने मैं समझता हूँ छुड़ा ली और बच्चों को इसके हवाले कर दिया। ये बहुत बड़ी गफलत है मेरे ख्याल में कि जो वालदैन बहसियत है वालदैन बरत रहे हैं कि वो बच्चों को उन अखलाकियात सिखाने की बजाय उनको ब्रांड के नाम पर, उनको मॉडर्निज्म के नाम पर, उनको माशरे में अपना नाम ऊँचा करने के नाम पर कि जी वो फलां कहेंगे जी इनके बच्चों के पास तो फलां टैब नहीं है, इनके बच्चों के पास फलां फ़ोन नहीं है, इनको तो ये भी नहीं आता ये भी नहीं आता, उसके अंदर सिखाते सिखाते पता नहीं फिर वो क्या कोई सीख जाते हैं। तो ये जो अलमिया इस वक्त चल रहा है हमारे यहाँ कि सबसे ख़तरनाक चीज़ जो नौजवानों के पास आ रही है और सोशल मीडिया उसका बड़ा टूल बन रहा है, किरदार कुशी का, वो दीन के नाम पर हो, सियासत के नाम पर हो, किसी तरह से भी हो, कि हम किसी की पगड़ी उछालने में, किसी के ख़िलाफ़ कोई कीचड़ उछालने में कोई ज़रा दरेग नहीं करते। ये कितना बड़ा जुर्म है, कितनी बड़ी यानी संगीन किस्म की गलती है, और कैसे बुरे असरात इसके माशरे के ऊपर मुतरब हो रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये इंतहाई संगीन नौयत का जुर्म है, लेकिन बदकिस्मती से एहसास जुर्म ही ख़त्म होता जा रहा है जी। जिस वसी पैमाने पर बद अखलाकी और बेहयाई माशरे के अंदर आ रही है, उसमें किसी को इन अल्फाज के साथ याद करना, जिस तरीके से किसी की ज़बान किसी वक़्त फिसल जाती है, या लोगों के कपड़ों तक को के रंग जो हैं उनके साथ जिस तरीके से तज़हीक आमेज़ जुमले जो हैं वो जोड़े जाते हैं जी, तो ये मुआशरे की गिरावट की एक इंतहा है कि हमारी नौजवान नस्ल भी, पढ़ा लिखा तबका भी, मजहबी तबका भी, जितने मुख्तलिफ तवक़ात हो सकते हैं, वो इस चीज़ को जुर्म या गुनाह या कोई ऐब तसव्वुर ही नहीं करते जी। तो अगर किसी मुआशरे से जुर्म को जुर्म या ऐब को ऐब या गुनाह को गुनाही तसव्वुर न किया जाए और एक मुसलमान मुआशरा हो तो ये तबाही की इंतहा होती है। इसलिए कि जब तक किसी काम को अगर आप गलत समझ कर जी, जुर्म समझ कर और मायूब समझ कर करते हैं, तो किसी वक़्त भी उससे में एहसास होता है कि मैंने ये गलत किया है, और इंसान अपनी असलाह कर लेता है। लेकिन जब ये एहसास ख़त्म हो जाए और बल्कि उसके ऊपर फ़ख्र किया जाए जी, इस वक्त हम देखते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जितनी ज़्यादा बद तहज़ीबी उसके अंदर होती है, तो उसका इतना मौसर तरीके से दिफा करते हैं कि गोया कि ये नऊज़ बिल्ला कोई इसके ऊपर वही हुई है और हर्फ इनकी बात कोई हर्फ आखर है जी। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें ये बात अपनी इस नस्ल को, इसके ईमान को बचाना,
इनके अखलाक को इस वक्त बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम बहसियत मुसलमान एक मुसलमान माशरे के अंदर अपनी औलाद अपनी नई नस्ल जो है उसके ईमान का तहफ़ कैसे कर सकते हैं, इस्लामी अकदार और रिवायात का अमीन इसको कैसे बना सकते हैं और इस्लामी तालीमात से आगाह किए बग़ैर, क्योंकि हमारे यहाँ माशरे के अंदर ये कोई तरजीह नहीं है कि इस्लामी तालीमात या इस्लामी क़दरों से भी आगाह किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अपनी औलाद को उनका कैरियर और उनका फ्यूचर जो है उसको महफूज करने के लिए तो सारी दौड़ धूप होती है, सारे वसाइल उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जी। लेकिन जहाँ तक दीन का मामला होता है तो वो तरजीहात के अंदर कहीं आखिर में भी नहीं आता। तो इसलिए इस वक्त अगर किसी एक ख़ानदान के अंदर हम देखते हैं कि ख़ानदान टूट रहे हैं, औलाद वालिदैन से बगावत इख्तियार करती है और उनके लिए बदनामी का बायस बनती है, शर्मिंदगी का बायस बनती है, ये सारी चीज़ें उस वक्त उसके बाद जिस वक्त वो उनको नदामत भी होती है कि हमने क्या किया, ज़ाहिर है कि उस वक़्त सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है और उस वक़्त उनको पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए ज़रूरत है इस चीज़ की कि इन चीज़ों को घरों के अंदर कम अज़ कम घर एक छोटा सा यूनिट है माशरे का, उसके अंदर अगर वालिदैन और जो बड़े हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी का ये एहसास करते हुए कि सैलाब से हम कैसे अपनी औलाद को महफूज कर सकते हैं, उसके लिए दीनी तालीमात से आगाही का और उनकी तरबियत का मौसर इंतज़ाम हो, तो तब जाकर ये उनके अखलाक का तहफ़ भी किया जा सकता है और इस बेरा रवी से उनको बचाया भी जा सकता है। और कौमी सतह पर भी ज़रूरत है इस बात की कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया कि एक मुनज़्ज़म तरीके से तरबियत का पूरा एक निज़ाम जिस वक्त तक नहीं होता और लोगों को इन चीज़ों की संगीनी का एहसास नहीं होता कि हम किस तबाही की तरफ जा रहे हैं, और अखलाकी लिहाज से कौम जो है वो दिवालिया हो रही है, चूँकि क़्यादत से लेकर नीचे तक यही सूरत हाल है जी। तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है जब तक एहसास जुर्म ही ना हो, गुनाह का एहसास ना हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस एक सहाबी ज़िक्र करते हैं और उसमें बताते हैं कि अपने दौर के लोगों के बारे में फरमाते हैं कि इन्नकुम लतअमलून आमालन, कि तुम ऐसे कुछ आमाल करते हो जो तुम्हारी निगाह में बाल से ज़्यादा बारीक है, यानी कोई मायूब ही नहीं है। कुन्ना नाउद्दुहा मिनल मुबिकात, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर इनको बड़ा तबाह कुन और बड़ा मोहलिक तसव्वुर किया करते थे। अब आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोगों के अंदर एहसास गुनाह किस कदर था। इस वजह से एक पाकीज़ा माशरे की बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। तो उसके बाद अगर कोई आदमी मामूली सा किसी को किसी बुरे लकब से भी याद कर देता था जी, तो उस वक़्त तक उसको चैन नहीं आता था जिस वक़्त तक कि वो उससे माफ़ी नहीं मांग लेता। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी कि मोमिन वो हो नहीं सकता जो किसी के ऊपर ताना जनी करता है जी, और दूसरे के ऊपर लान तान करता है, दूसरे को गाली देता है, ये मोमिन की शाया निशान। सारी चीज़ें किरदार खुशी से मुतल्लिक हैं जी। बड़ी अच्छे डॉक्टर साहब ने रहनुमाई की है। असल में बात ऊपर से शुरू करें या नीचे से, इस पर मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, चूँकि इनका माशाल्लाह इस पर काफ़ी एक्सपीरियंस है और ये गाइड भी करेंगे कि कैसे काम शुरू किया जाए। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये किरदार कुशी वाली और दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाने वाली और ख़ास तौर पर क़्यादत के हवाले से, यानी 1985 से तो हम बिल्कुल शौरी तौर पर देख रहे हैं कि जब रिवाइवल हुआ एक सियासत का, फिर से इलेक्शन आए और जनाब मुल्क के अंदर सियासी कल्चर आना शुरू हुआ। तो उस वक्त चूँकि प्रिंट मीडिया था, सोशल मीडिया तो नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतना ज़्यादा प्राइवेट नहीं था, तो मेरे ख़्याल में उस वक्त भी लोगों ने, जो अच्छे अच्छे दीनदार लोग भी थे, सियासी सिर्फ अपनी मुखालफत की बुनियाद पर, अपने मुखालफीन की ख्वाब मर्द थे या औरतें थीं, उनकी तस्वीरें बनाने में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सी चीज़ें शाया करने में उन्होंने कोई दरेग नहीं किया। और मेरे ख्याल में इसको उन्होंने, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि अपना फ़र्ज़ समझते हुए जायज़ करार दिया कि यह सियासत है जी इसमें चल रहा है। और वो बुनियादी अखलाकियात सारी की सारी भूल जाते हैं कि जो सियासत हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है वही सियासत है जो हमारे लिए आज भी है। मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, हमारे कोई सियासतदान बैठे हुए थे, मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक रोशन बाब है आपकी सियासी ज़िंदगी, हालांकि आपकी तो कोई सियासी पार्टी नहीं थी ना, आपने कोई इलेक्शन लड़ा इस तरह से, लेकिन वो सियासी तालीमात आपकी हमारे सामने रहनुमा के उसूल के तौर पर रखी गई हैं।
कि आपने अपने मुखालफीन के साथ क्या रवैया अख्तियार किया, कैसे उनके साथ आपने मेल जोल रखा और किस तरह का अखलाक उनके सामने पेश किया। तो ये उस वक्त से तो हम देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी छपती थी, अब वो सोशल मीडिया आ गया तो अब ज़ाहिर है कि हालात बिल्कुल बदल गए हैं। डॉक्टर साहब, चैलेंज असल में जो है वो नौजवान नस्ल का इस वक्त, जिस पर आपने भी बात की है, डॉक्टर साहब ने भी बात की है, कि जब तक नौजवान नस्ल इस्लामी अकदार से रोशनास नहीं होती, उनको पता ही नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन क्या है, हमारी अकदार क्या है, हमारी अखलाकियात क्या है, उस वक्त तक वो किस काम के मुसलमान बनेंगे, कैसी नौजवान नस्ल आगे जाएगी, परवान चढ़ेगी, वो दीन का और दीन के नाम पर बनने वाले इस वतन अजीज़ का कैसे दिफा करने वाले बनेंगे, किस तरह से आप समझते हैं क्या मैकेनिज़म इख्तियार किया जाए, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए कि नौजवान नस्ल को अपनी इन इस्लामी अकदार से रोशनास करवाया जाए। जी, मेरा ये ख्याल है कि ये जो अभी भी हम गुफ्तगू तो कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन मुआशरे में बिलमूम अभी भी ये जितना बड़ा चैलेंज है ना, इस चैलेंज के और इसकी जो मुख्तलिफ मैनिफेस्टेशन और सूरतें जी, उनके हवाले से कमा हक़ू हमारे यहाँ इदराक नहीं है जी, क्योंकि जब तक इदराक और मसले की पूरी संगीनी का अंदाज़ा ना हो कि ये कितना बड़ा मसला है, उस वक्त तक उसके तदारुक के लिए हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे और वो मैयर्स नहीं बरूकार ला सकेंगे जिनको लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक तरबियत का ताल्लुक है ना, तरबियत देखें, तरबियत अहले खाना ने करनी है, वालदेन ने करनी है, फिर असातिज़ा ने करनी है, फिर उलमा ने करनी है, मस्जिद और मेहराब और मेंबर से जी, ये और फिर हम मुल्क लेवल के जो लीडर्स हैं ये शौरी लाशौरी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में तरबियत करते हैं, लेकिन ये तरबियत उसी वक्त होगी जब हम ये समझेंगे कि मसला है क्या और नफ्स मसला की संगीनी क्या है। जी, मैं पूरी तरह इस बात पर कन्विंस हूँ कि ये जो सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीज़ी है ना, ये अब एक एडिक्शन की सूरत तैयार कर गया, ये एक नशा है और ये एक लत बन चुकी है। दुरुस्त फरमा, और इस पर, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो बस कह दी गई है, इस पर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया इंसान के दिमाग पर, शऊर पर, लाशऊर पर, उनकी उसकी आदतों पर, उसकी चॉइसेस पर कैसे असरअंदाज होता है, सियासी चॉइसेस से लेकर खाने पीने की आदतों तक और गुफ्तगू तक और मुआशरे में इंसान एक दूसरे के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, इस पर बड़ी मार्कतुल आरा किस्म की तहकीकात हो रही हैं और हो चुकी हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक हमने पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत थोड़ी बहसो तमीज़ की है और हमारे यहाँ तहकीक इस तरफ नहीं गई। तो हमारे यहाँ जो कवानीन पर काम करने वाले लोग हैं, जो दीनियात पर और मजहबी मामलात पर काम करने वाले मुहक्किकीन हैं, इसी तरह जो मीडिया साइंसेज और मैस कम्युनिकेशन के जो लोग हैं, साइकोलॉजी के जो लोग हैं, इन सबको आपस में बैठकर सर जोड़कर ये देखना है कि हमारे यहाँ ये एडिक्शन का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है, और इस एडिक्शन से हमने जब, क्योंकि अगर कोई एडिक्शन का शिकार हो गया वो तो मरीज हो गया ना। सही बात है, और बहुत बड़ी तादाद में नौजवान नस्ल मरीज बन चुकी है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है ना, उसका इलाज अब उसका इलाज कैसे करना है, उसका इलाज अब सिर्फ महज आप कानून से और अखलाकियात के दर्स और भाषण देने से नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको जो सोशल मीडिया में हम लोगों को इन चीज़ों पर उभारने वाले अवामिल दे रहे हैं, जी जी, शायद उन अवामिल का तदारिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ अरसे के बाद वो मामला, वो गम व गुस्सा, वो तंस, वो तानो तशनी खुद कम हो जाएगी। इसकी अल्टरनेट एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, हमारे खेल के मैदान खाली पड़े हैं, खेल के मैदान मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो कब्जा माफिया हर जगह पर, जो इस वक्त पाकिस्तान में रियासत तो रिहाइश और हाउसिंग के सेक्टर से तकरीबन दस्तबरदार हो चुकी है, और ये सब प्राइवेट सेक्टर में चला गया, हमें मालूम है, वहाँ पर खेल के मैदानों की और बाहर निकलने और कम्युनिटी सेंटर्स के जो मामलात हैं वो तो तकरीबन ना होने के बराबर अब रहे। दुरुस्त बात है, तो ये एक बड़ा, ये चाहती है एक हमजहद किस्म की ये मामला, इस मामले में सिर्फ ये बात कह देना कि इस पर एक अखलाकी या कानूनी तरीके से मामले को हल किया जाए, ये खुशफहमी भी हो सकती है, सादा लोई भी हो सकती है, लेकिन मसला इससे हल नहीं होगा, इससे हल नहीं होगा। जी हाँ, यानी उसके मुतबादल चीज़ें नौजवानों को दी जाएँ, एक्टिविटीज़ दी जाएँ, और ये बहुत अच्छी बात की आपने, यानी वो कानूनी है नहीं, तालीमी अदारे, जो तालीमी अदारा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता था कि जिसमें फुटबॉल का उसकी ग्राउंड ना बनी हुई हो, उसके लिए उसके अंदर जो है हॉकी का एक बहुत बड़ा जो है ना वो उसकी ग्राउंड मौजूद ना हो, वॉलीबॉल, मेरे ख्याल में अब बच्चों को पता नहीं वॉलीबॉल क्या चीज़ होती है, ठीक है ना जी, बास्केटबॉल थी, ठीक है, अब उसके बाद क्रिकेट ने फ़रोग पकड़ा, क्रिकेट के अब तो जो तालीमी इदारे बन रहे हैं उनके अंदर भी ग्राउंड नाम की कोई चीज़ें नहीं है। तो जब बच्चे को आप सुबह से लेकर शाम तक या किताब है या बस्ता है, स्कूल है, या उसके बाद लैपटॉप है, तो फिर जाहिर है कि उसको मुतबादल तो हमने कुछ नहीं दिया,
तो फिर कैसे हम तवक्को रख सकते हैं? आपने बड़ी दुरुस्त बात की है कि कानून बनाएंगे तो जहन साजी कैसे करेंगे उनकी, और जहन साजी करेंगे तो कहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके पास कोई मुतबादल चीज़ ही नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ तो करना होगा, यानी एक चीज़ तो ये है कि इसकी अगर हम जिम्मेदारी फिक्स करना चाहें कि ये जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, एक जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है कि हम वो तो बगैर किसी उसके जो है ना कलाम के कहते हैं कि जी हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, कोई भी हुक्मरान वक्त हो तो ज़ाहिर है कि उसकी ज़िम्मेदार ठहराना तो आसान है और होता भी है ज़ाहिर है, लेकिन क्या इस ज़िम्मेदारी का दायरा कुछ नीचे से नहीं शुरू होता है कि घर के माहौल से और फिर ऊपर ऊपर नहीं जाता है, और इदारे इसके अंदर मुलव्वस नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी है? और दूसरी बात ये कि अगर हमने ज़िम्मेदारों का तायुन भी कर लिया तो फिर कौन ज़िम्मेदारों को एहसास दिलाएगा ज़िम्मेदारी का कि आपने इस नस्ल को बचाना है और इस गंद बला से बाहर निकालना है, बल्कि इनको इस्लामी इकदार का मुहाफिज़ बनाना है? क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जहाँ तक ज़िम्मेदारों के तायुन का ताल्लुक है तो ये निचले लेवल से सिलसिला शुरू होता है। इसमें घर के जो ज़िम्मेदारान हैं, वालिदैन हैं, ज़ाहिर अल्लाह ताला ने भी उनके बारे में कहा या अय्युहल्लज़ीन आमनु कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नार जी। सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो उनकी है कि वो अपनी औलाद को भी और अपने आप को भी आखरत का जहन्नम का ईंधन बनने से बचाएं जी। तो ये पहली ज़िम्मेदारी कुरान ने वालिदैन पर आयद की है। क़यामत के दिन जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि हुक्मरानों ने क्या किया था, बल्कि औलाद के बारे में वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी है और अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह भी हैं वो कि उन्होंने किस हद तक अपने इस दीन फरीजे को और अख़लाक़ी जो फरीज़ा था उनका किस हद तक इसको पूरा किया है जी। इसी तरीके से उसके बाद दूसरी बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो तालीमी इदारों की है कि जहाँ दिन का बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चे गुजारते हैं और अपने असातिज़ा से सीखते हैं, उस्ताद एक रोल मॉडल होता है तालिबे इल्म के लिए, और बसा औक़ात ज़िंदगी भर जो है वो उसकी बातें और उसके जो गुफ्तगु होती है उसको तज़किरा करता रहता है कि फ़लाँ चीज़ हमारे फ़लाँ उस्ताद ने इस तरह कही थी जी। तो एक तरह से उसके दिलो दिमाग के ऊपर उसकी बातें नक्श हो जाती हैं। तो सबसे अहम चीज़ यह है कि इस माशरे के अंदर लाखों असातिज़ा हैं जो अगर इस मामले की, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि संगीनी को महसूस करें जी, तो उनके स्पुर्द भी एक पूरी नस्ल है और वो उनकी इसलाह कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा उनके सामने जो है ये चैलेंज है कि इस वक्त जो सूरत हाल है और उसकी जो नज़ाकत है, उसकी संगीनी है, उसको अगर वो समझेंगे तो उसको एड्रेस कर सकते हैं और उसके बारे में अब नौजवान नस्ल को उन चीज़ों से बचा सकते हैं। बार बार अगर उस्ताद इन चीज़ों का एहसास दिलाए और इन चीज़ों से मना करे तो ज़ाहरी बात है कि ऐसी सूरत में उनकी असलाह हो सकती है, लेकिन अगर असातिज़ा ख़ुद इन चीज़ों के अंदर मुलव्वस हों और वो भी सोशल मीडिया पे वही कुछ करते हों तो ज़ाहिर है कि हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि नई नस्ल की कोई असलाह होगी। इसी तरीके से मिंबर और महराब बहुत बड़ी क़ुव्वत है, आज भी बहुत बड़ी क़ुव्वत है ये, और असलाह का सबसे मौसर तरीन ज़रिया है। तो उलमा इकराम भी फ़िलहाल इस चीज़ की इतनी बड़ी संगीनी को महसूस नहीं करते, और सर राह कोई बात सोशल मीडिया के हवाले से हो जाती है, लेकिन जिस कदर वो तबाही फैला रहा है, और अगर मेंबर और महराब से कोई असलाह की एक आध बात होती है तो उसको बिगाड़ने के लिए बेशुमार किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसके अखलाक को, ईमान को तबाह करने वाली चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब मेंबर और महराब वाले भी अगर सोशल मीडिया को छोड़ेंगे तो फिर दूसरों को वाज करेंगे ना जी। बड़ी बुनियादी चीज़ है कि वो अगर दुरुस्त इस्तेमाल करें, खुद भी दुरुस्त इस्तेमाल करें और दूसरों को भी दुरुस्त इस्तेमाल का, लेकिन यह है कि बिलाखिर ये करना पड़ेगा जी, इंशाल्लाह। और किसी ऐसे मरहले पर जहाँ हम बहुत आगे निकल जाएँ तो और वापसी की कोई सूरत ना हो, उस वक्त अगर ये एहसास हो भी जी तो ज़ाहिर कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त वक्त है कि हम कोशिश करें और इस चीज़ की कोई असलाह करें, घर की सतह पर भी और तालीमी इदारों की सतह पर भी, मेंबर और महराब की सतह पर भी, और रियासत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है जी। इसलिए कि
بعض اوقات کوئی ایک بات حکمرانوں کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ ملک بھر کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح تک بھی اس بات کو سنا جاتا ہے، وزن دیا جاتا ہے جی. اور حکمران کسی ملک کا چہرہ ہوتے ہیں تو اسی سے لوگ پہچانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ ان کی تہذیب، ان کی روایات کیا ہیں اور کس طرح کے اخلاق کے مالک ہیں. اس لیے حکمرانوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس معاملے کے اندر. تو یہ پورا ایک چین ہے، سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر فرد ایک طرح سے ذمہ دار ہے، جو کہیں بھی بیٹھا ہوا ذمہ دار ہے وہ اس بات کا بھی ذمہ دار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کہیں قانون سازی کا مسئلہ ہے یا قانون کی عملداری کا مسئلہ ہے تو وہ تو حکمران ہی کر سکتے ہیں، قانون بناتے بھی وہی ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرنے کی طاقت بھی انہیں کے پاس ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ تربیت کے لیے بھی ایسے پروگرام تشکیل دے سکتے ہیں، خاص طور پہ آج کل جو ہمارے پاس ماڈرن ذریعہ ہے ٹیکنالوجی کا، جس میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے جو الٹیمیٹلی پیمرا کے انڈر آتا ہے، گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. تو اس میں کچھ اس طرح کے پروگرام بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں کہ جو نوجوان ابھی مساجد سے دور رہتے ہیں یا مدارس سے دور رہتے ہیں، یا یہ ہے کہ والدین کی بات اتنی نہیں مانتے ہیں اور دوسروں کی بات زیادہ اثر کرتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اور دو طبقات تو بہرحال بہت لازم ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک گھر اور دوسرے اسکول یا مدرسہ. ایک بڑی خوبصورت بات پچھلے دنوں یہاں کچھ ہمارے آرمی کے جرنیلز نے، جو ایک اسلام آباد کے ایک کالج سے فارغ و تحصیل ہیں، تو انہوں نے اساتذہ کے اعزاز میں ایک گیٹ ٹوگیدر کی. تو اس میں ایک جنرل صاحب نے بڑا اچھا جملہ کہا جو مجھے بھی بھیجا کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ والد بچے کو آسمان سے زمین پہ لایا اور استاد اس کو آسمان پہ پہنچاتا ہے. تو یہ یعنی رول ہے، کردار ہے استاد کا، تو اساتذہ اور ذمہ داری کو اگر سمجھے تو. جی ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب، آپ اس میں کیا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو خلاصہ کلام کیا پیش فرماتے ہیں؟ جی میری یہی اس حوالے سے گزارش ہے کہ معاشرے کے، ظاہر بات ہے کہ تمام طبقات جن کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی جی اشارہ کیا ہے، ان تمام طبقات نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی، اور یہ ظاہر بات ہے کہ خاص مقصد کے تحت بنایا گیا تھا، اور آئین پاکستان کے تحت جو ریاستی پالیسی کے رہنما اصول ہیں اس میں ریاست پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں بسنے والے مسلمانوں کو ان کی جو زندگی ہے وہ دین کے تقاضوں کے مطابق بنانے کے لیے تمام تر اپنی ذمہ داری پوری کرے، سہولتیں فراہم کریں. اور ہم نے ان ریاستی پالیسی کے رہنما اصولوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ہی بھلا دیا جی، اور محض یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک سنہری الفاظ کے طور پر آئین میں لکھے ہوئے ہیں جی، اور چونکہ ان کو عدالتوں کے ذریعے لاگو نہیں کیا جا سکتا اس لیے ریاست کی باقی اداروں کی بھی ذمہ داری نہیں جی. عدالتیں تو دیکھیں، جوڈیشری تو صرف ایک ریاستی ادارہ ہے جی، لیکن ظاہر بات ہے ایگزیکٹو کی ایک اپنی ذمہ داری ہے، اور یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا یہ کردار ادا کرے. میں یہاں پر انتہائی اختصار کے ساتھ ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے کئی ممالک میں، مثلا آسٹریلیا میں مجھے کچھ رہنے کا موقع ملا آج سے کئی سال پہلے، اب تو ظاہر بات ہے وہ بھی اس پہ شرمساری کا اظہار کرتے ہیں، مگر بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ جو انڈیجنس لوگ تھے نا، پرانے وہاں کے باشندے تھے، وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں نہیں بھیجتے تھے، تعلیمی اداروں میں نہیں بھیجتے تھے، یا بچوں کو ابھی بھی انگلینڈ وغیرہ میں، اگر آپ یورپ کے معاشروں میں دیکھیں تو بچوں کو جب یہ خطرہ ہو نا کہ والدین بچوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو ریاست بیچ میں آتی ہے اور ان بچوں کو والدین سے علیحدہ کر کے اپنی کسٹڈی میں لیتی ہے. یہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ ہے ان کی، اور ایک مفاد عامہ کو دیکھا جاتا ہے، ان کی مصلحت کو ریاست خود ماں بن کے دیکھتی ہے. تو یہاں تو چونکہ ہماری پوری ایک نسل کی شناخت کی، ان کی ثقافت کی، ان کی مذہب کی، کلچر کی ذمہ داری ہے جی، تو اگر کسی وجہ سے اگر گھر کا انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا، اور اگر مدرسے کا انسٹیٹیوشن کام نہیں کر پا رہا جی، اور اگر کالجوں اور اساتذہ کا انسٹیٹیوشن کام نہیں کر رہا، تو ریاست کی تو یہ ذمہ داری ہے جی کہ ریاست نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم آئین پاکستان سے روگردانی کر رہے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی مثال دیا کہ ریاست کی حیثیت بھی ماں کی سی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہ کسٹوڈین ہے اور اس نے حفاظت بھی کرنی ہے، دفاع بھی کرنا ہے، اور اس نے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے، سہولتیں فراہم کرنی ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان صاحب کا اور پروفیسر ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کا کہ آپ نے وقت دیا اور آج کے اس موضوع پر ہماری رہنمائی کی ہے. ناظرین
मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और आज भी ये अर्ज़ करूँगा कि अभी भी हम मायूस नहीं हैं। हमारे अंदर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं, जैसे दोनों हमारे फाजल साहबान ने भी आज गुफ्तगू की है, कि जो इस बात का एहसास रखते हैं, इदराक रखते हैं कि हमने अपनी नौजवान नस्ल को सुधारना है, संभालना है, इन्हें राय रास्त पर लाना है, अपनी इस्लामी अकदार का तहफ़ुज़ करना है और नौजवान नस्ल को इसका अमीन बनाना है। बस ज़रा ज़रूरत इसी बात की है कि इस काम को करने के लिए कुछ सलीके की तरीके की ज़रूरत है और इस तरफ आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। और फिर वो जो कहा गया कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्तवीरा से, ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ ऐसा की, तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ इसी बात की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अक्सरियत यहाँ पर मुसलमानों की है, हुकूमत इस्लामी है, मुसलमान है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करने की और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। मियां असनाउल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।